हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं और आप जानते ही होंगे कि BCCLE 2022 का जो ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ सब सारे कुछ मतलब डेट्स आ गए हैं। कब होगा कब चॉइस फिलिंग करना है, कब से स्टार्ट रहा है, कब ऑफ हो, कब मतलब उसका क्लोज हो रहा है डेट, अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा, फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड का, कब किसका मतलब एडमिशन होगा, आप लोग अपना स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, सारा कुछ दिख रहा है। जैसे कि ऑनलाइन सीट मैट्रिक्स जो है 25 को, जैसे कि आज 25 है, आज आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का जो डेट है स्टार्ट होगा 29 से, और काउंसलिंग के लिए 29 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तारीख को क्लोज हो रहा है, 3 सितंबर को क्लोज हो रहा है काउंसलिंग का। अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड और थर्ड राउंड नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 ही राउंड रहेगा काउंसलिंग के लिए। और अलॉटमेंट के लिए तो अलॉटमेंट का जो फर्स्ट अलॉटमेंट जो लेटर रहेगा उसका काम चलेगा 7 तारीख से 10 तारीख तक, मीन्स डेट 7 तारीख को आएगा आपका और 8 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और 8 से 10 तक इसका एडमिशन चलेगा। उसके बाद 7 को अलॉटमेंट आएगा, 10 तक उसका मतलब 8 से 10 तक 2 दिन उसका एडमिशन चलेगा। सेकेंड राउंड का, सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 14 को आएगा, 14 सितंबर को आएगा क्या सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट प्रोविजन, और उसका जो होगा एडमिशन स्टार्ट 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड राउंड का एडमिशन, वो चलेगा 17 सितंबर तक। सो ये इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कर दें आज से ही, सारा अरेंज करना जो आपको मिसिंग लग रहा है। और देखिए यहाँ पे ये सब जो नीचे बताया गया सब डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से देख लीजिए। मैट्रिक एक नंबर से यहाँ से स्टार्ट है और इसके बाद यहाँ तक जो है 13 तक सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है। सो आप लोग इसे केयरफुली पढ़ लें और देखिए, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, उसको पढ़ लें ताकि अपना आपका डॉक्यूमेंट अरेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक पॉइंट यहाँ और दिखाना चाहता हूँ जिसे आप देखिए अपना बहुत गौर से पढ़िएगा, कहाँ लिखा है जी, हाँ देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आ जाता है तो आप 8 से 10 तक एडमिशन चला उसमें जाकर अपना एडमिशन करवा लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और सेकेंड में है, हाँ देखिए यहाँ पढ़िए, ऑनलाइन यहाँ से स्टार्ट है 3 नंबर, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया ऑन टाइम है, इसलिए ये अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते तो वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले साइकिल सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हेतु द्वारा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। सो प्लीज़ 29 से 3 तारीख तक उसके बीच में होगा चॉइस फिलिंग, आप लोग जाकर करा लीजिए, अदरवाइज यू हैव टू फेस अ बिग प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग्स। और जैसे कि आप लोग इसे पूरा पढ़ सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, आज 25 तारीख का ये आ चुका है और इसको आराम से एक बार आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पोर्टल से जाकर BCCLE सर्च करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ सारे को, तो लोग अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें मेरे प्यारे मित्रों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और उनको एडमिशन लेने में कोई प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक्स।